तो हेलो फ्रेंड्स, इस छोटे से प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस टाइप का एक बॉक्स ले लिया है और एक स्पीकर ले लिया है और यहाँ पर एक सर्किट ले लिया है। तो ये सर्किट मैंने म्यूजिकल आईसी वाला सर्किट है, इसमें दो ट्रांजिस्टर से मैंने बनाया था, एक सर्किट और एक बैटरी ले ली है। तो ये सर्किट कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो बना चुकी है अलग से, उसमें इसका मतलब ये म्यूजिक की तरह ये आईसी बजती हैं, मतलब इससे हमारा म्यूजिक की तरह ये स्पीकर बजता है। तो उसको कैसे बनाते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बताया है कि हम कैसे उसको मतलब बना सकते हैं इस टाइप की सर्किट। तो यहाँ पर मैंने अपना मोड चेंज कर लिया है, यहाँ पर हमने स्क्वायर शेप का बॉक्स ना लेकर एक हमको राउंड शेप का एक कुछ इस टाइप का मिल गया था, तो हम उसी का ले लेते हैं और इसके पीछे लगाने के लिए एक उसी से काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरे मतलब बॉक्स से काट लिया है, तो एक पीछे लगाने के लिए काट लिया और यहाँ पे स्पीकर के जल्दी से हम वायर छोड़ देते हैं और इसके कनेक्शन कर लेते हैं इस सर्किट के साथ। तो इसकी सर्किट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस वीडियो को भी देखिएगा, वो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 3-4 मिनट की है। उसमें मैंने बताया था कि म्यूजिकल वाला हम डोरबेल कैसे बनाएं। आज सिर्फ मैं इसकी फिटिंग कर लूँगा, तो बस ये भी वीडियो छोटी ही है, तो देख लीजिए, अपना 6-7 मिनट निकाल लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मैं इसका पर्सनली यूज करने वाला हूँ और इसकी आवाज़ भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन कर लिया हूँ और यहाँ पर ग्लू गन की मदद से हम इसको चिपका देते हैं। तो कनेक्शन बहुत ईजी था इसका, तो उसको आपको जानना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिए उस वीडियो को और उस वीडियो में आप सारे कनेक्शन सीख जाएंगे। अभी हमको इसको रिचार्जेबल बनाना है, तो हम इसके लिए एक चार्जिंग सॉकेट पहले लगा देते हैं और बैटरी भी लगाएंगे हम इस पर। तो आप चाहें तो चार्जर से भी चला सकते हैं, बट मैं रिचार्जेबल ज़्यादा सही है क्योंकि हम इसको मतलब जब लाइट ना भी रहेगी तब भी चला सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको रिचार्जेबल बनाया। और आप एक बार रिचार्ज कर लेंगे मतलब इसको चार्ज कर लेंगे तो ये कम से कम 2-3 महीने आपका अच्छे से काम कर जाएगा, यदि आप कम बजाते उतना नहीं बजाते हैं तो यहाँ पर बहुत 2-3 महीने चल जाएगा। यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसको भी चिपका लेता हूँ। अब एक के यहाँ पे डबल साइडेड टेप लिया हूँ, तो यहाँ पर मैंने बैटरी चिपकाने के लिए वैसे लिया था, बट पहले मैं इसका ट्रांजिस्टर वगैरह जो आईसी वगैरह हमारे शॉर्ट सर्किट ना हो तो उसके लिए मैं टेप लगा के फिर इसको चिपका दूंगा डबल साइडेड टेप से, एक साइड में किनारे चिपका दूंगा। तो आप भी ऐसे किनारे चिपका सकते हैं और ये मुझे मस्त बॉक्स मिल गया छोटा सा, तो और ये क्यूट भी लगता है और छोटा भी है, तो इसका मैं पर्सनली यूज कर लूँगा, अपने दुकान में लगाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ गांव मतलब हमारी खुद की दुकान है एक, तो वहीं पे लगा देंगे, तो मतलब वहाँ से हम बुला सकते हैं जो मतलब हमारी मम्मी सामान देती है उधर पे, तो मम्मी को बुलाना पड़ता है जो हम सामान नहीं जानते, तो इसका मतलब हम बुलाने के लिए मम्मी को, मम्मी सिलाई करती है तो वहीं पास लगा दिए हैं, तो मम्मी आ जाया करेगी जब दुकान की घंटी हो जाएंगी। तो आप चाहे तो इसको डोर वेल की तरह यूज कर ले सकते हैं, मैंने इसको दुकान वाले वेल के लिए यूज में बनाया है, आप डोर वेल की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप जितने भी हमारे नेगेटिव वायर हैं तो उनको सबको कॉमन करने के बाद बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देना है, यानी चार्जिंग सॉकेट हमारे जो आईसी वाला है सर्किट है उसका नेगेटिव हमको बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देना है और चार्जिंग सॉकेट का पॉजिटिव के साथ एक अलग से वायर जोड़ने के बाद हमको बैटरी पे सोल्ड कर देना है पॉजिटिव वाले पे। तो ये बहुत इजी कनेक्शन है और जो दो वायर बच जाएंगी हमारी तो उसको हमारे स्विच पे लगाएंगे, इसमें से उन दोनों वायर को हम टच करवाएंगे तो वो बजने लगेगा हमारा। तो एक बार मैं चेक कर लूँगा इसको बैटरी वो करने के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बज रहा है, आपको सुनाई नहीं देता होगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में सुनाऊँगा अच्छे से। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो देखिए, वीडियो छोटी सी है ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब डबल साइडेड टेप की मदद से मैं चिपका देता हूँ बैटरी को भी और आपको स्विच भी दिखा देता हूँ, स्विच का कनेक्शन किस टाइप का मुझे करना है। तो यहाँ पर देखिए आप सुन सकते हैं कितना अच्छा बज रहा है, तो मैं स्विच के कनेक्शन भी बता दूंगा आप लोगों को इस पर। तो पहले यहाँ पर हमको थोड़ा सा कट मार देंगे तो वायर भी निकल जाएगी और यहाँ पर अब हम इसको पीछे साइड वाला लगा सकते हैं, बट अभी मुझे नहीं लगाना क्योंकि जब मैं फिटिंग करूँगा तब लगाऊंगा इसके पीछे साइड वाला। तो यहाँ पर स्विच के हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने घंटी वाला स्विच लिया है, तो ये मुझे मात्र 20 रुपये मिल गया था। तो आपको यहाँ कितने का मिलता है आप कमेंट कर दीजिए और बैकग्राउंड थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रही है तो आप माफ़ कीजिए। तो यहाँ पर अब मैं स्विच के कनेक्शन कर देता हूँ, तो जहाँ पे हमने दो वायर निकाले थे उसको स्विच के दोनों पॉइंट में कर देना, किसी पॉइंट को भी कर दीजिए। और ये घंटी वाली बजन है, आप सुन सकते हैं कितना अच्छा बज रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे ही छोड़ देते हैं तो ये अपने आप बंद हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घंटी वाली बटन आप यूज़ करेंगे तो और अच्छा रहेगा, नॉर्मल वाली भी यूज़ कर सकते हैं बट घंटी वाली अच्छे करेंगे तो और अच्छा रहेगा।
तो यहाँ पर अब हम इसको पैक कर देंगे, बट अभी नहीं पैक करूँगा मैं इसको, पहले जब सब चीज़ फिटिंग विटिंग कर दूँ सब वगैरह, फिटिंग वगैरह, तब आपको डायरेक्ट लास्ट में दिखाऊंगा। तो और स्विच भी बता देता हूँ, इसको बंद कर देना है किस टाइप से, इसकी जो वायर है इसके पीछे साइड एक होल रहता है उधर से निकाल देना है, और इस स्विच में इस तरह बंद करके नेट वोल्ट से टाइट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको मैंने किस टाइप का फिट किया है। तो यहाँ पर एक जगह मैंने फिट किया बोर्ड के पास, जिसमें से हम इसको चार्ज भी कर सके आराम से, और इसके स्विच वाली वायर को मैंने इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, तो आप लोग देखते जाइए कहाँ कहाँ तक मैं ले गए इस वायर को। तो थोड़ा कॉस्टली पड़ गई वायर, बट अब क्या कर सकते, मैंने सस्ती वाली वायर ली है, आप भी सस्ती वाली वायर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमको इसको एसी करंट नहीं देना, तो आप सस्ती वाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा वायर कम भी पड़ गई थी, तो मैंने फिर दूसरी वायर को जोड़ा है, और यहाँ पर आप देखते जाइए कहाँ कहाँ से निकाल रहा हूँ, और यहाँ पर इधर से बच जाता है स्विच से, तो आप सुन सकते हैं मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो आप सुनिए मैं दूसरे से बजवा रहा हूँ जब तक घंटी।